अध्यक्ष राहुल गांधी ध्यान से सुनिएगा, आतंकी मसूद अजहर पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड, कंधार का गुनाहगार, उसे मसूद अजहर को जी कहकर राहुल गांधी संबोधित कर रहे। दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में बूथ कार्यकर्ताओं की रैली थी, वहां पर राहुल गांधी बोल रहे थे और राहुल गांधी ने कहा मसूद अजहर जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। चलिए सुनते हैं क्या कहा है राहुल गांधी। अब ये 56 इंच वाले छाती वाले, आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, मसूद अजहर जी, राहुल गांधी सीरियस है? बिल्कुल, देखिए अब ये स्लिप ऑफ टंग है या फिर एक तरह का या कांग्रेस की परंपरा रही है तो पहली बार नहीं है। आपको याद हो तो कांग्रेस ने इससे पहले दिग्विजय सिंह ने ओसामा जी कहा था और उसके बाद बवाल मचा था, उसके बाद उनसे कई तरह की सफाइयां आई थी। चला एक बार रणधीर सिंह सुरजेवाला ने भी ये गलती की थी, किसी आतंकवादी को जी कह के पुकारा था। तो कांग्रेस को आतंकवादियों से इतना प्यार है ये झलकता है इस बात पर, ये कहीं ना कहीं स्लिप ऑफ टंग भी कहा जाएगा, कांग्रेस की तरफ से कहा जाएगा स्लिप ऑफ टंग है, इसका आप गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अगर बयान को पूरी तरह से सुने तो एक बार भी आप नाम अगर ले रहे हैं कहीं ना कहीं अजीत डोभाल साहब का तो उसमें आप जी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मसूद अजहर जी जरूर आपके साथ लग रहा है। तो ये कहने का मकसद क्या है, क्योंकि आप कल से ही लगातार अटैक कर रहे हैं, कल आपने ट्वीट किया उनको लेकर, अजीत डोभाल को लेकर के अजीत डोभाल छोड़ने गए, उन्होंने गलती की, उनके उसमें जाकर उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता है और उनका ये डिसीजन था, और इस बात पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग अड़े हुए हैं। जबकि ये हकीकत है कि उस वक्त ये फैसला ऑल पार्टी मीट के बाद भी लिया गया था, सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें ब्रजेश मिश्रा से अजीत डोभाल के तमाम विवाद भी हुआ था, इस बात को लेकर खुद तैयार नहीं थे, लेकिन अजीत डोभाल के जिस तरह से वो घेरने में लगे हैं, इस घेरने में ये गलती कर गए हैं राहुल गांधी, और ये बड़ी गलती कर गए हैं। चुनाव के समय अब अगर इस तरह की गलतियां आप करते हैं, कांग्रेस के नेता आमतौर से करते आए, मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, जिनका पाकिस्तान प्रेम दिख रहा है, लेकिन अगर राहुल गांधी के जुबान से इस तरह की बात निकलती है तो कहीं ना कहीं इसका चुनावी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस अब इस मामले पर अभी तक डिनायल मोड में नहीं है, अब कांग्रेस कहेगी कि नहीं स्लिप ऑफ टंग था, ये गलती से आप लोग जानबूझ के साथ रवि, साथ रवि जिस पार्टी का एक लंबा इतिहास हो आतंकियों के लिए सम्मान दिखाने का, वो कैसे स्लिप ऑफ टंग कर सकती है? आप एक बार फिर से सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। बैठकर मसूद अजहर जी के साथ 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 बैठकर तो रवि, हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्या कहा राहुल गांधी ने, उन्हीं की जुबानी बाकायदा उन्हीं की साउंड बाइट हम प्ले कर रहे हैं, लेकिन बात कुल मिलाकर यही आ जाती है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहेगी स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसका आतंकियों के लिए सम्मान का एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, वो कहां जस्टिफाई कर पाएगी इस गलती को? अब देखिए, क्योंकि आमतौर पर इससे पहले जो गलतियां होती थी दिग्विजय सिंह से, मणिशंकर अय्यर से, वैसे में तो कांग्रेस किनारा कर लेती थी, कहती थी उनका गलती का ध्यान है, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष इस तरह की बात करता है, पार्टी के अध्यक्ष की जुबान से इस तरह की बात निकल के आती है, और वो भी जब अपना आपका कार्यक्रम चल रहा है, बड़े कार्यक्रम में जिसमें मेरा बूथ तेरा गौरव करके कार्यक्रम था, दिल्ली में ही एक कार्यक्रम था, कल पीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है अहमदाबाद में, राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे, सब लोग पूरी पार्टी रहेगी, और उससे पहले इस तरह की गलती करना ये बड़ी गलती मानी जाएगी। इस तरह की गलती आमतौर पर बड़े लोगों से नहीं होनी चाहिए। देखिए, दिग्विजय सिंह कहते हैं, सिद्धू कहते हैं पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं, चाहे कहीं ना कहीं आपको मणिशंकर अय्यर इस तरह की बात करते हैं, तो शायद उसमें आप पार्टी किनारा कर लेती है उनके बात से, कह देते उनका दृष्टि जब ध्यान है, लेकिन जब पार्टी का अध्यक्ष इस तरह की बात करें और इसके जुबान से बात निकले तो उसको आप स्लिप ऑफ टंग कहकर बाहर निकल नहीं निकल सकते हैं, इससे आपको घेरा जाएगा और एक चुनावी मुद्दा बनेगा। बिल्कुल घेरा जाएगा, क्योंकि मसूद अजहर वो नाम है जिस नाम को सुनकर हर भारतीय का खून खौलने लगता है, और राहुल गांधी उसी नाम के आगे जी लगा देंगे तो फिर एक आम वोटर जो है यही काम भारतीय कैसा महसूस करेगा। आप एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं, मसूद अजहर जी के साथ बैठकर 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 एक बार फिर से, मसूद अजहर वो नाम है जिसने भारत को कई जख्म दिए हैं, और जो सबसे लास्ट जख्म मिला वो भी उसे एक महीना भी नहीं हुआ हमारे जवानों की शहादत का, उसको समझ नहीं आ रहा है राहुल गांधी किसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी की एक बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं मानी जाएगी, एक ऐसी बड़ी गलती है जिसका खामियाजा उनकी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। चुनाव में आप
जिस समय में राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव हो रहा और जिसमें आतंकवाद के खिलाफ माहौल बनाने पर चुनाव हो रहा, उसमें एक आतंकवादी को जिसने इस तरह से कहा जाए तमाम घटनाएं, विमान अपहरण हो, पार्लियामेंट अटैक हो, मुंबई वाला अटैक के मामले में उसका नाम भी शामिल है, और साथ साथ अभी हाल में पुलवामा की घटना में जिस आदमी का नाम शामिल है जिसको भारत तमाम कोशिश कर रहा है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, उसके नाम के आगे अगर आप जी लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती करते हैं। और आप देखिए कांग्रेस की पहले की जो पॉलिसी रही है उसमें कहीं ना कहीं आप एक मुस्लिम परक है जो नीति रखी थी उससे नुकसान होता था, इसको खुद करने के चक्कर में कई बार आप जी का सब लगाते थे और कई बार कहते थे कि अलंकार एक लगाना एक स्वभाव है, हम भारतीय परंपरा इस तरह के दिग्विजय सिंह भी बच्चे नजर आए थे जब दिग्विजय सिंह उनको ओसामा जी कहा था, लेकिन क्या राहुल गांधी ने अगर आतंकियों के नाम के आगे आप कैसे जी लगा सकते हैं? मसूद अजहर जिसने भारत को एक नहीं बल्कि कई जख्म दिए हैं, कैसे राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष उसके नाम के आगे जी लगा सकते हैं? अपने आप में बड़ा सवाल है। इस बड़ी कवरेज पर एक बार फिर से लौटेंगे ब्रेक के उस पर।